नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक त्यागी। तो आईपीएल की लगातार हम हर मैच की आपको टीम बताते हैं। तो अब भी देखिए मैच नंबर 16 बड़ा शानदार होने वाला है, क्योंकि इस मैच में सामना गुजरात से है, वो टीम जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या जिसके कप्ताना शानदार टीम परफॉर्म कर रही है। तो उस टीम के सामने है पंजाब, पंजाब भी शानदार कर रही है। पंजाब की अगर मैं शुरुआत में आपको पॉइंट टेबल में बताऊँ तो चौथे स्थान पर है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि उनका रन रेट प्लस में है, ये पंजाब के लिए प्लस पॉइंट है, +0.23। ये पंजाब का रन रेट है, पंजाब को टेंशन नहीं है क्योंकि रन रेट जो है थोड़ा प्लस में है। उसके बाद में पंजाब 3 मैचों में 2 जीत और 1 लॉस के साथ चौथे स्थान पर पंजाब है। तो अब पिछले मैच के और अगले मैच में जो गुजरात के खिलाफ मैदान पर उतरेगी, एक खुशखबरी है पंजाब, अगर आप पंजाब के फैन हैं तो एक खुशखबरी आपके मिल सकती है गुजरात के खिलाफ मैदान पर। क्या वो खुशखबरी होगी ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पिछले मैच की जो टीम है पहले उस पर एक बार देखते हैं। मयंक अग्रवाल थे, शिखर धवन, उसके बाद में राजपक्ष जो श्रीलंका के विकेट कीपर बल्लेबाज है वो थे, लिविंगस्टन थे, जितेश शर्मा शानदार प्रभावित किया जितेश शर्मा ने अपने विकेट कीपिंग से, शाहरुख खान, ओडेन स्मिथ, रबाड़ा, राहुल चहर, वैभव अरोड़ा ने मुझे बहुत प्रभावित किया पिछले मुकाबले में, और अर्शदीप सिंह। ये पिछले मुकाबले की टीम थी। अब अगले मुकाबले में जो गुजरात के खिलाफ होने वाला है उसमें पंजाबियों में क्या बदलाव होगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। दरअसल मयंक अग्रवाल रहेंगे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मयंक अग्रवाल कप्तान के तौर पर शुरुआत में ओपन करने के लिए रहेंगे। हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ बदलाव देखने को मिले, हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शिखर धवन, हो सकता है शिखर धवन हो। यहाँ पर जो राजपक्षे हैं यहाँ पर बदलाव आपको हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि खतरनाक जो बल्लेबाज है इनका जोनी बेरस्टो, वो वापस आ गया है। और जोनी बेरस्टो वैसे तो पिछले मैच में भी वापस थे लेकिन पंजाब ने उनको खिलाया नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद आपको जोनी बेरस्टो खेलते हुए नजर आएंगे। और अगर जोनी बेरस्टो आपको पंजाब की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर ऊपर खेलेंगे। अब सबसे बड़ा परेशानी पंजाब के सामने ये है कि जोनी बेरस्टो को अगर ऊपर खिलाएंगे तो किसकी जगह खिलाएंगे, क्योंकि शिखर धवन तो नीचे खेलते नहीं है, ना कभी खेले हैं। मयंक अग्रवाल क्या नीचे वन डाउन आएंगे, क्योंकि मयंक अग्रवाल ने वन डाउन बल्लेबाजी की है टीम इंडिया में जब खेलते हैं। तो मयंक अग्रवाल क्या नीचे आते हैं, क्योंकि जोनी बेरस्टो और शिखर धवन दोनों शानदार बल्लेबाज हैं, दोनों ने ओपनिंग की है, ओपनिंग में बहुत रन बनाए हैं, और वास्तव में जोनी बेरस्टो के आने के बाद पंजाब की टीम बहुत मजबूत हो जाएगी। एक संतुलित बल्लेबाजी टीम मुझे नजर आ रही है जब जोनी बेरस्टो वापस आ जाएंगे। शुरुआत बेहतर दिलाने के लिए माहिर है, आपको पता है कि किस तरीके से हैदराबाद में जब थे तो डेविड वॉर्नर के साथ किस तरीके से शुरुआत दिलाते थे। आईपीएल की सबसे बेहतरीन जोड़ी एक हुआ करती थी जोनी बेरस्टो और डेविड वॉर्नर की। तो क्या जोनी बेरस्टो शिखर धवन के साथ उसी तरीके की पार्टनरशिप करते हैं, बहुत बड़ा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जोनी बेरस्टो के वापस आने के बाद पंजाब की टीम रिलाय करेगी अपने ओपनर्स पर, बहुत शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाएगी। ये जोनी बेरस्टो का बदलाव मेरे हिसाब से हो सकता है राजपक्षे की जगह। उसके बाद में लिविंगस्टन बिल्कुल होंगे, लिविंगस्टन लगातार बल्लेबाजी बेहतर कर रहे हैं, लगातार शानदार, और अब तो विकेट भी ले रहे हैं, बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट लेकर भी पंजाब को दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट पंजाब के लिए, सबसे बेहतर ये खिलाड़ी है, बल्लेबाजी भी कर रहा है और विकेट लेकर भी दे रहा है। अपने दम पर मैच जिता दिया था लिविंगस्टन ने पिछला मैच जो था चेन्नई के सुपर किंग के खिलाफ, तो शानदार बल्लेबाजी। जितेश शर्मा, देखिए इस खिलाड़ी का मैं फैन हो गया हूँ, इस खिलाड़ी का मैं फैन हो गया हूँ। फैन क्या, आपको याद होगा धोनी के खिलाफ किस तरीके से इस खिलाड़ी ने लिया था DRS लिया था और वो कामयाब भी हो गया। धोनी के खिलाफ, धोनी जैसे बल्लेबाज के खिलाफ अगर आप लेते हैं DRS तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका अप होता है, कॉन्फिडेंस आपका हाई होता है। वो इस खिलाड़ी ने किया था, शानदार स्टंपिंग की थी, गजब का कैच लिया था, सॉरी कैच लिया था, स्टंपिंग कैच लिया था, शानदार, एकदम शानदार। तो मैं इस खिलाड़ी से प्रभावित हूँ, इस खिलाड़ी ने अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, अच्छी स्टंपिंग भी की थी, मैं चाहता हूं कि खिलाड़ी के, हालांकि जोनी बेरस्टो वापस आ रहे हैं तो जोनी बेरस्टो अगर वापस आए तो विकेट कीपर की तो टेंशन खत्म है, लेकिन जितेश शर्मा को आप खिला सकते हैं, अच्छा होनहार खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी बेहतर है। शाहरुख खान बिल्कुल यहां पर रहेंगे, शाहरुख खान तो इस टीम से कहीं जाने वाले नहीं है IPL 2022 में, मेरे हिसाब से पंजाब के सारे मैचेस शाहरुख खान खेलने वाले हैं। ओडेन स्मिथ बिल्कुल यहां पर ओडेन स्मिथ भी रहने वाले हैं, क्योंकि ओडेन स्मिथ किस तरीके की बल्लेबाजी में आखिर में आकर कर सकते हैं आप सबको पता है, शानदार बल्लेबाज है। तो और गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी का भी बेहतर विकल्प ओडेन स्मिथ है। उसके बाद में रबाड़ा बिल्कुल, रबाड़ा यहाँ पर रहेंगे, रबाड़ा ने तो
रबाड़ा ने तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से प्रभावित किया है। शुरुआत में आते ही पहले मैच में बल्ले का दम दिखाया और उसके बाद में रबाड़ा को प्रमोट किया गया, तो ये प्लस पॉइंट है रबाड़ा के साथ कि रबाड़ा गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बेहतर काम कर रहे हैं, तो ये एक शानदार है। राहुल चाहर की गेंदबाजी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, शानदार गेंदबाजी राहुल चाहर ने की है। तो राहुल चाहर की गेंदबाजी बहुत शानदार है, लगातार बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट भी चटका रहे हैं। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यह है कि विकेट भी चटका रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है पंजाब के साथ साथ। मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊंगा उसके बाद में क्या क्या हो सकता है। वैभव अरोड़ा की गेंदबाजी से मैं बहुत खुश हुआ, पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने उथप्पा को आउट किया और मोइन अली को आउट किया, दो बड़े विकेट वैभव अरोड़ा ने जो पिछले मैच में ही आए थे, जो पिछले मैच में आए थे, शानदार तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की और इस खिलाड़ी ने खुद को साबित किया है कि हाँ ये खिलाड़ी शानदार है और बेहतर तरीके से गेंदबाजी करके शुरुआत में विकेट लेना जानता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि शुरुआत में अगर आपके गेंदबाज विकेट लेने की कला जानते हैं तो आपकी टीम बहुत मजबूत है। जिस गेंदबाज के पास शुरुआत में विकेट लेने की कला है, जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में अगर बात करें ट्रेंट बोल्ट, उमेश यादव, पैट कमिंस, जिस तरीके की गेंदबाजी इन गेंदबाजों ने की है, वो गेंदबाजी चाहिए। लोकी फर्गूसन होंगे गुजरात में, मोहम्मद शमी सामने होंगे, तो ऐसा गेंदबाज हमें चाहिए। तो वैभव अरोड़ा उस तरीके के गेंदबाज यहाँ पर हैं। अर्शदीप सिंह ने भी अच्छी खासी की है, अर्शदीप सिंह अच्छी खासी गेंदबाजी इन्होंने भी की है, तो ये एक प्लेइंग 11 हो सकती है पंजाब की गुजरात के खिलाफ। एक धुआंधार ओपनर आपको पंजाब की टीम में नजर आ सकता है, आप राजपक्षे की जगह आपको जोनी बेरस्टो टीम में नजर आ सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जोनी बेरस्टो फिट है, बेंच पर है और बेंच पर जोनी बेरस्टो जैसे खिलाड़ी को कोई टीम नहीं बैठाना चाहेगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जोनी बेरस्टो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मैच विनर प्लेयर है, तो जोनी बेरस्टो मुझे वापस आते हुए नजर आ रहे हैं प्लेइंग 11 में पंजाब की टीम में, और ये एक प्लेइंग 11 हो सकती है। अब मैं बता देता हूं कि प्रेडिक्शन क्या है। देखिए प्रेडिक्शन क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पंजाब की टीम ने शानदार 3 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं, एक हारा है, लेकिन गुजरात की टीम ने 2 मुकाबले खेले और दोनों जीते हैं, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी की जिस तरीके की तारीफ हो रही है, रन बचा भी रहे हैं, रन बना भी रहे हैं, तो यह एक प्लस पॉइंट है। अगर हार्दिक की टीम ने क्या करके दिखाया, यह करके दिखाया है कि अगर आपने कम रन बनाए हैं तो आपकी गेंदबाजी में वो ताकत है कि रनों को बचाए, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गुजरात के साथ है। तो पंजाब की बड़ी अग्नि परीक्षा होगी जब हार्दिक के सामने मयंक अग्रवाल आएंगे। जाहिर तौर पर बहुत धांसू टीम गुजरात की इस वक्त मुझे नजर आ रही है, 2022 में एक संतुलित टीम है, बल्लेबाजी में थोड़ी सी सवाल जरूर है लेकिन गेंदबाजी बहुत मजबूत है, तो गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा होगी जिस वक्त गुजरात के सामने आएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके की टीम है पंजाब, बल्लेबाजी एकदम संतुलित मुझे नजर आ रही है, ऑलराउंडर में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इस टीम में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है कि इसके पास बल्लेबाज शानदार है, ऑलराउंडर्स इनके पास अच्छे और गेंदबाजी तेज, गेंदबाजी इनके पास रबाड़ा के नेतृत्व में बहुत शानदार है, रबाड़ा और डेन स्मिथ, उसके बाद में चहार, वैभव अरोड़ा ने जिस तरीके गेंदबाजी की है, सुदीप सिंह ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, तो नौजवानों के साथ एक अच्छा तजुर्बे का कॉकटेल इस टीम के पास है बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में, तो मेरे हिसाब से इस टीम 50-50 चांस मुझे लग रहे हैं दोनों टीमों के, मैं किसी टीम को ज़्यादा नहीं आंकूंगा, बस थोड़ा सा गुजरात की बल्लेबाजी अगर क्लिक कर गई तो मज़ा आ जाएगा, मैच बड़ा शानदार आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरी पंजाब की प्लेइंग 11 थी जो गुजरात के खिलाफ मैदान पर उतरेगी मैच नंबर 16 में। तो आपका क्या मानना है इस प्लेइंग 11 में, क्या बदलाव आप देखते हैं, क्या वास्तव में जोनी बेरस्टो आपके हिसाब से वापस आ रहे हैं, आपकी भी जो प्लेइंग 11 है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर आए, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए, तो आपको हमारी जानकारी मिल जाए। थैंक यू।